शिव से हमारा आपका जुड़ाव होना चाहिए। गुरु हम लोगों ने महादेव को माना है, शिव हम लोगों के गुरु हैं, तो हमारा आपका जुड़ाव, हमारा आपका शिष्य के रूप में उनसे संबंध बनना चाहिए। जहां तक आदमी का सवाल है, जैसे मेरा, आपकी दीदी नीलम आनंद का या दूसरे किसी का, वो शरीर में हो या नहीं हो, उससे आपका जुड़ाव बहुत मानी नहीं रखता है, मानी रखता है लेकिन बहुत मानी नहीं रखता है, उसका बहुत अर्थ नहीं है। अर्थ तभी है जब हम शिव से जुड़े, जो हमारे गुरु हैं। हम लोग क्या कहते हैं, उस महादेव से तो लेने का सिलसिला बड़ा पुराना, कहानियों में तो सब लेते रहे हैं आज तक। वो विष्णु जी गए तो चक्र सुदर्शन ले लिया, शुक्राचार्य गए तो संजीवनी विद्या सीख ली, श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन गए तो पशुपतास्त्र महाभारत के पहले ले आए। हम आप भी कुछ ना कुछ लेते ही रहे हैं, तभी भीड़ है, तभी महादेव हमारे आपके घरों में पूजित हैं। हम लोगों ने कहा कि सामान तो लेते हो यार, माल मटेरियल तो लेते हो महादेव से, सुख भी लेते हैं, सम्मान भी लेते हैं, समृद्धि भी लेते हैं, जो भी जरूरत है मांगते ही मांगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर अकिल नहीं रहे तो क्या होगा, बुद्धि नहीं रहे तो क्या होगा, ज्ञान नहीं रहे तो क्या होगा। मोतिहारिये के नु खिस्सा, एगो कौआ चढ़ गई सीढ़ी से छत पर, बपुआ कहला से बेटा से तेरे सीढ़ियां हटा दे रे, सार उतरिहन कैसे। एक सीढ़ी लगी थी आंगन में, कौआ सीढ़ी पर चढ़ चढ़ के छत पर चला गया। बापा बोला कि रे बेटा, बेटा को गिरे बउआ सीढ़ियां हटा, इस सार छत पर से कौआ उतरिहन कैसे साले। ऐसे तो काम ना चली, कौआ के तो पां खोला बाबू, उड़ जाई, सीढ़ी लगाओ चाहे मौत लगाओ। हम लोगों ने कहा कि शिव से आप दान तो लेते हैं, शिव से आप बहुत कुछ मांगते हैं, कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता, देने का अधिकार भी उनको जितना है, देने की शक्ति भी जी उनको जितनी है, विश्व में, वर्ल्ड में, संसार में, इस त्रिभुवन में किसी को नहीं है, क्योंकि ईश्वर का नाम है शिव, ईश्वर का नाम है महादेव। हम लोगों ने कहा कि दान तो तुम मांगते हो, ज्ञान का नहीं मांगते हो बउआ, दान तो हम लोग मांगते हैं, ज्ञान काहे नहीं मांगते हैं। ज्ञानवा भी मांग लीजिए तो उस दान का बढ़िया से बढ़िया उपयोग कर सकिएगा। रावण मांगा था दान, क्या मांगा था, त्रैलोक्य की शक्ति। नियम है, शक्ति में छिपा हुआ सम्मान होता, इज्जत होती है। आपके पास पैसे की शक्ति बहुत ज्यादा है तो जगत में आपको सम्मान मिलेगा, सुविधा मिलेगी। आपके पास राजनीति की शक्ति बहुत ज्यादा है तो आपको सम्मान सुख मिलेगा, सामान्य नियम यही है। आपके पास सुंदरता की शक्ति बहुत ज्यादा है तो भी मिलेगा। बहुत सी महिलाएं विश्व में हुई हैं जिसके चलते तख्त डोला है, राजा डोले हैं, शासन डोला है। देखिए सुंदरता की शक्ति है, हालांकि उसकी नहीं है, उसको किसी ने दी है। कोई आदमी सुंदर पैदा हो गया, कोई आदमी कुरूप पैदा हो गया, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, किसी ने दे दिया। तो कुरूपता दे दी हो या सुंदरता दे दी हो, उसमें उस आदमी की कोई खूबी नहीं है, कोई उसका कोई उसकी योग्यता नहीं है। तो रावण भी मांगने गया था पावर, जानता था कि पावर में इज्जत है, सम्मान है, शक्ति मांगी थी उसने, त्रिलोक की शक्ति, यानी तीनों भूत, जो कहानी है सच है क्या झूठ हमको नहीं मालूम, तीनों जो लोक हैं उसकी शक्ति मांगी थी, यानी देवताओं से भी अपने को ऊपर कर लिया था उसने। देवता भी लोक में ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि देवताओं की डिग्री महादेव के बराबर है, वो लोग उन लोगों का भी लोक होता है, वो लोग हमारे आपके नियमों से ही चलते हैं। त्रिलोक की शक्ति तो मांग ली, लेकिन शक्ति को संचालित करने का ज्ञान नहीं मांगा।
आपने बंदूक तो सरकार से मांग ली, लेकिन बंदूक चलती कैसे है ये आपने सीखा ही नहीं सरकार से। सीख तो लीजिए भाई साहब, नहीं तो बहुत खतरनाक होगी वो बंदूक, क्योंकि उसमें शक्ति है। शक्ति में अगर ज्ञान नहीं होगा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हम में आप में भी शक्ति है, हम लोग बोल रहे हैं, शक्ति है हम लोग के पास। मामूली काम हम लोग नहीं करते हैं, दुनिया की बहुत आधी से ज्यादा चीजें तो हम लोगों ने बना ली है। क्या नहीं बनाया हम लोगों ने, ठीक है हम लोगों को किसी दूसरे ने बनाया, लेकिन हम लोगों ने भी बहुत कुछ बना लिया, कम नहीं बनाया है और बना रहे हैं। हम लोगों के साथ दिक्कत है कि हम लोगों को दूसरा कोई बनाता है और दूसरा कोई ले जाता है। दूसरे की इच्छा से आते हैं और दूसरे की इच्छा से चले जाते हैं, बीच में समझते हैं कि अपनी इच्छा से हैं। इसी को कहते हैं अज्ञान, इसी को कहते हैं बुद्धि नहीं होना। आप आते हैं दूसरी की इच्छा से, माँ बाप की इच्छा से आप नहीं आते, वो माध्यम है। ताकि बहुत माँ बाप हैं जो नी संतान है, और मेरे यहाँ अक्सर लोग आते हैं कि हमको बेटा नहीं है या पांच को बेटी है, एक बेटा चाहिए। इसका माने उनके फैक्ट्री में दम नहीं है, वो माध्यम हो सकते हैं, ताकत उनको नहीं है। यानी हम लोग दूसरे की इच्छा से आते हैं जो दिखता नहीं है। जनरेटर चला, हम लोग दूसरे की इच्छा से आते हैं जो हमारी आपकी आंखों से नहीं दिखता है, अपनी इच्छा से रहते भी नहीं। अक्सर लोग चाहते हैं, करीब करीब सभी लोग चाहते हैं रहना, रहते कहाँ है, हम लोग के पूर्वज चले गए। तो आना दूसरे के हाथ में है, जाना दूसरे के हाथ में है, बीच में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हम लोगों के हाथ में है, ऐसा है नहीं, लेकिन लगता है तो लगता है। भ्रम ही सही, तो भ्रम भी आप में हमें संवेदना उत्पन्न करते हैं, प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, परिणाम उत्पन्न करते हैं। हम लोगों ने कहा लोगों को कि भैया महादेव से तो लेते ही लेते हो, लो यार कौन रोकता है, और उतना दे भी कौन सकता है जो दूसरे के पास जाओगे लो जरूर लो। लोगों ने लिया है, हम आप क्यों दुबर रहे, हम आप क्यों कमजोर रहे। लेकिन ज्ञान भी लो नहीं यार, ज्ञान क्यों नहीं लेते हो। ज्ञान लोगे तो बहुत मामूली सी चीज से भी तुम बहुत बड़ा काम कर लोगे। हम लोग देहात में वो कहावत है ना कि गांव में एक होशियार रही तो कमा खा के जिए ली, पांच गो बुड़बक ओकरा भेटाए के चाहिए। तो ज्ञान का यह महत्व है। दिक्कत क्या है, दान तो बंटवारा में आप ले सकते हैं। जैसे महादेव को आप बाबा कहते हैं, बाबा की संपत्ति में आपका अधिकार है। शिव कहा जाता है कि चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा, कहावत है ना, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। तो बाबा में तो पोते पर पोते सबका अधिकार है भाई, उसकी संपत्ति में तो भोग तो रहे, हवा उसकी, प्राण उसके, पानी उसका, पहाड़ उसके, नदियां उसकी, हम उसके, सब तो उसी के हैं, तो भोग तो रहे। और बिना मांगे मिल जाएगा, क्योंकि बाबा की संपत्ति में उसके पोता पोती से लेकर पूरा खानदान बढ़ते चले जाए, सबका अधिकार होता। कानून कहता है इस देश का कि जब तक जिंदा है तभी तक अधिकार रहेगा, उसके बाद कहीं दूसरे को दे दे, उस साला मरबे नहीं करता है तो देगा किसको, मरेगा तब ना दूसरे को होगा, उस साला जिंदा है। काहे कि रामनवमी में राम के जन्म की छुट्टी होती है, जन्माष्टमी में कृष्ण के जन्म की छुट्टी है, और महादेव के जन्म का पता भारतीय सरकार को नहीं लगा तो हमको आपको कहाँ लगेगा। इसीलिए ब्याह की छुट्टी है, महादेव का ब्याह का छुट्टी दे, कहीं ब्याह का छुट्टी सुना है आज तक किसी का, किसी भी बड़े से बड़े आदमी के शादी की छुट्टी आपको मिलती हो सरकारी दफ्तरों में, ऐसा सुना कभी। जन्म की मिलती है, पुण्यतिथि की मिलती है जिसमें वो शरीर छोड़ते हैं, पुण्यतिथि भी बहुत कम मिलती है, नहीं है के बराबर मिलती।
जन्मदिन की छुट्टी मिलती है। जो हमारे यहाँ भगवान है या हमारे यहाँ जो पूज्य लोग हैं उनको उनके दिनों पर सरकार छुट्टियां देती है, लेकिन ब्याह के दिन के ऊपर छुट्टी मिला लोग है सरकार में, ये कभी सुनने बने रहे वालों नहीं। ब्याह के दिन साला ब्याह हो गए लोग, कौन बड़का बात बा। लेकिन महादेव के छुट्टी मिलेला महाशिवरात्रि, वो ब्याह के दिन मिलेला। कहे कि साले सरकार कमबक सरकार को ही नहीं पता, हमको आपको क्या बड़ी इतनी बड़ी हस्ती को नहीं पता है कि पैदा कब हुआ था। आज जब पैदा ही नहीं हुआ था ये मालूम ही नहीं है तो मरेगा ही नहीं साला। इसीलिए बाबा आपका जिंदा है, आपको हमको हक है, लेकिन केवाला नहीं मिलने वाला। केवाला तो उसी के नाम से दान में एक बाप अपने बेटे को पूरी संपत्ति का पूरा टुकड़ा दे सकता है। तीन बेटे हैं तो तीन हिस्सा कर देगा वो। कहल जाला कि बंटवारा में चाउर अगर धुआ गई बात तो कर पानियों बटी। हाँ बटी, चावल का धुवन भी बटता। ये हम आसमान से सीखा, धरती पर हम नहीं जानते थे इसको। चावल का धुवन भी बटता है, लेकिन भाई साहब ज्ञान नहीं पटता है। एक बाप अपने बेटे को अगर तीन बेटे हैं चार बेटे हैं तो वो चार टुकड़े कर देगा। बंटवारा के समय चावल और अधन पर चढ़ा हुआ है तो पानी भी बांट देगा वो, लेकिन वह बहुत बढ़िया शिक्षक है तो ज्ञान नहीं बांट सकता है। उसका ज्ञान लेने के लिए उसके बेटों को उससे ज्ञान लेने की मानसिकता में आना होगा, उससे पढ़ना होगा। हम अक्सर एक किस्सा सुनाते हैं, बना के किस्सा सुनाते हैं, कोई किस्सा थोड़े। एक बाप था, उस इलाके का बहुत बढ़िया शिक्षक था, रिटायर कर गया और जब तक वो शरीर से तंदुरुस्त था अपने बेटों को कहता था, अरे हमसे पढ़ लो, इस इलाके में हमसे बढ़िया मास्टर नहीं है, तुम भी जानते हो कि हमसे बढ़िया मास्टर नहीं है, हमसे पढ़ो। तीन को बेटा था, दो को बड़का बोला, तुम्हारा से पढ़े, हमारे स्कूल में नाम लिखा वो। क्या करेगा बाप, उसने स्कूल में नाम दूठो को लिखा दिया। छोटका बोला कि ना बाबूजी, हम तुम्हारे से पढ़े। उसने तो कहा ही था कि हाँ पढ़ो। दो बेटा कहा कि ना, हम तरह से ना पढ़े भी, स्कूल में पढ़े। समय बीता, वो रिटायर कर गया, बूढ़ा हो गया। एक दिन सबसे छोटका बेटा हो गया था कलेक्टर, पढ़ा टीचर बढ़िया था, बना दिया उसको आईएएस हो गया, वो कलेक्टर हो गया। एक दिन छोटका बेटा आया बाप से मिलने के लिए, तो पीला बत्ती का गाड़ी या अंगरक्षक बॉडीगार्ड सब सब था उसके साथ। और दोनों भाईवा जो था उससे बड़ा जो नहीं पढ़ा था अपने बाप से, वो दोनों बथान में भैंस को सानी लगा रहा था। सुना कि छोटका भैया आया है, भाईवा आया है, तो दोनों आया मिलने के लिए। बगीचा में था, बथान में था, आया मिलने के लिए। तीनों बैठा हुआ था, बूढ़ा जो मास्टर था वो भी बैठा हुआ था जो तीनों का बाप था। दोनों ने कहा, दोनों बड़े भाई ने बाप से कहा कि बाबूजी, तारा ऐसा था बेईमान, हमने कहा देखबे ना कहीं नहीं। बाप ने कहा क्या बेईमानी की बोलो। कहा कि एकरा के तू कलेक्टर बना देला, हमने के भैंस चरवा बना देला, तैसे बड़ बेईमानी हुई। वो बूढ़ा आदमी बोला कि देखो बाबू, हमारे पास इतना बीघा जमीन है, छोड़ दो, हम पेंशन से खा लेंगे, हमको जमीन की जरूरत नहीं है, तुम तीनों भाई इस जमीन को बांट लो, हम जमीन का बंटवारा कर देते हैं, संपत्ति का एक एक पाई का बंटवारा कर देते हैं, लेकिन ससुरा बताओ हम ज्ञान का बंटवारा कैसे करें। ये पढ़ना चाह तो हमने पढ़ा दिया, तुम दोनों ने कहा नहीं पढ़ेंगे तो स्कूल भेज दिया, तुमको बढ़िया शिक्षक नहीं मिला, तुम नहीं पढ़े, भैंस चरा रहे हो। इसने हमसे पढ़ना चाहा, हम थोड़ा बढ़िया से पढ़ाते रहे हैं स्कूलों में, हमने इसको पढ़ा दिया, ये कलेक्टर हो गया, तुम दोनों भैंस चरवा हो गए, तो ज्ञान का बंटवारा हम कैसे कर दें। चलो चावल का पानी हम बांट देते हैं, सब कुछ बांट देते हैं तीन हिस्से में, लेकिन ज्ञान कैसे बांटेंगे यार। ज्ञान कोई लेगा तब न देंगे, ज्ञान तो लेना पड़ता है, सामान तो हम दे देंगे, लीजिए चाहे फेंकिए, लेकिन ज्ञान तो हम दे ही नहीं सकते ना, जब तक आप लेना नहीं चाहिएगा, उसको रिसीव करना नहीं चाहिएगा। हम लोगों ने कहा महादेव से दान लेते हैं, ज्ञान कहने लेते हैं। भाई साहब, ज्ञान लेने के लिए आपको उस महादेव का चेला बनना होगा, शिष्य बनना होगा, और शिष्य बनना होगा इसका माने शिष्य शब्द का अर्थ जानते हैं, जो लोग अंग्रेजी जानते हैं उनको तो आसान है, डिसाइपल और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन शब्द से डिसाइपल बना, डिसिप्लिन अनुशासन,
डिसिप्लिन शब्द से डिसाइपल मन शिष्य, डिसिप्लिन शब्द से डिसाइपल बना है। कहने का अर्थ हुआ कि जो डिसाइपल है वह अगर गुरु का डिसिप्लिन नहीं मानता है तो डिसाइपल नहीं है। जो शिष्य है अगर गुरु का डिसिप्लिन नहीं मानता है तो डिसाइपल नहीं है। शिष्य शब्द का भी वही अर्थ होता है। संस्कृत में शस धातु है, उससे बना है शिष्य शब्द, उससे बना है शासन, उससे बना है अनुशासन, उससे बना है प्रशासन, उससे बना है शिष्य। शिष्य का मानी होता है जो जो अंग्रेजी में मानी है वह हिंदी में भी है। शिष्य का मानी होता है जो गुरु का अनुशासन माने वह शिष्य है, वह चेला। गुरु जो कहते हैं वो करे, गुरु का अनुशासक माने डिसिप्लिन।